हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू इकोसो स्टूडेंट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी तो आज का हमारा टॉपिक है कि परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है तो इससे रिलेटेड एक थियरी है परचेसिंग पावर पैरिटी जो गुस्ताव कैसेल ने दी थी जिसके दो वर्जन से एब्सोलेट वर्जन एंड रिलेटिव वर्जन तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये दोनों वर्जन परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी के इन डिटेल स्टडी करने वाले तो टॉपिक अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए बच्चा लोग आज का थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है तो सपोज एक बास्केट है गुड्स का बास्केट है जिसमें आता है राइस देन वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है क्लोथ्स एंड व्हीट तो हम लोग अज्यूम करते कि ये गुड्स इंडिया में भी मिल रहे हैं ऐसे ही और यूएसए में भी मिल रहे हैं तो इंडिया में ये बास्केट अगर आपको परचेज करना है तो इसकी प्राइस है हंड्रेड रुपीज मतलब क्या कि इंडिया में ये बास्केट ऑफ गुड्स का जो परचेसिंग पावर है वो है हंड्रेड रुपीज वही पे अगर यही बास्केट ऑफ गुड्स आप यूएसए में परचेज करने जाते तो हो तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस अलग होगी क्योंकि वो डॉलर में होगी तो अगर आप यूएसए गए और यूएसए में आपको ये बास्केट ऑफ गुड्स मिला टू डॉलर्स में इसका मतलब इस बास्केट की यूएसए की जो प्राइस है परचेसिंग पावर वो है दो डॉलर तो ऐसे वक्त अगर हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों कंट्रीज के बीच का एक्सचेंज रेट क्या है परचेसिंग पावर के बेस पे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी पता है परचेसिंग पावर ये बास्केट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसकी परचेसिंग पावर यूएसए में है दो डॉलर इंडिया में है हंड्रेड रुपीज तो हम लोग लिख सकते हैं टू डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड रुपीज क्योंकि इन दोनों का परचेसिंग पावर क्या है सेम है ये बास्केट है तो टू डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड रुपीज इट मीन्स वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज सो so, इस तरह से आपका एक्सचेंज रेट यहाँ पे डिसाइड होता है और इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट एट परचेसिंग पावर पैरिटी आई होप आपको ये समझा होगा यहाँ तक तो ये यह एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रखते हैं एंड हमारी थियोरी स्टार्ट करते हैं अब देखते हैं इस थियोरी में क्या एक्सप्लेन किया है पी 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 यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी थियोरी एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट्स बेस्ड ऑन रिलेटिव प्राइस लेवल ऑफ टू कंट्रीज देखो क्या एक्सप्लेन करती है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है शॉर्ट रन जो होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है तो लॉन्ग रन जो होता है वो परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस पे डिसाइड होता है वो उन्होंने कहा है यहाँ पे आगे कि रिलेटिव प्राइस लेवल रिलेटिव यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करें देखो ना यूएसए का प्राइस लेवल अभी पता है टू डॉलर है इंडिया में हंड्रेड रुपीज़ तो हम लोग ने दोनों का क्या किया रिलेटिव जो रेशो है वो लिया टू डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड रुपीज़ और इसीलिए वन डॉलर इज इक्वस टू फिफ्टी रुपीज़ तो ये क्या हो गया रिलेट किया Relate कि हम लोग ने दोनों में कंपेरिजन किया एंड फिर हमें पता चला कि लॉन्ग रन एक्सचेंज रेट क्या है इस एग्जाम्पल में वन डॉलर इज इक्वल टू फिफ्टी रुपीज़ देन इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी और ये कैसे ओरिजिनेट हुआ था इट वॉज़ ओरिजिनेटेड इन द स्कूल ऑफ सेलमन का इन द दिक्कसटीन सेंचुरी ये आपको ये याद रखना है अगर आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखना है तो ओके okay. देन फिर डेविड रिकार्डो आया इस पूरे सीन में उन्होंने इसके ऊपर कुछ अपने इंसाइट्स दिए और फिर बाद में ये जो कंसेप्ट था जो स्कूल ऑफ सलमान का और फिर बाद में जाके डेविड रिकार्डो ने डेवलप किया उसे आगे जाके और स्टडी करके उसे एक थियोरी में कन्वर्ट करने का काम किया था गुस्ताव कैसल ने 1918 में एंड देन अब देखते हैं इसके एजम्पन्स फर्स्ट एजम्पन है नो ट्रेड बैरियर्स अगर हमें थियोरी एक्सपीरियंस करनी है तो अजीम क्या किया ट्रेड बैरियर्स नहीं है मतलब ना कोटा है ना टैरिफ है ना नॉन टैरिफ़ बैरियर्स से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे फ्री ट्रेड अज्यूम किया है देन सेम बास्केट ऑफ गुड्स टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स जैसे यहाँ पे इंडिया एंड यू दोनों कंट्रीज़ में हम लोग प्राइज इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो सेम लेते हैं हम लोग जो इंडिया का है वही यूएसए का है तभी थियरी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अदरवाइज कंपेरिजन ही पॉसिबल नहीं है अगर इंडिया में गुड्स अलग है यू में अलग है तो कंपेयर कौन से बेसिस पे करेंगे राइट तो सेम बास्केट ऑफ गुड्स अजीम किया है प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए देन आता है आइडेंटिकल गुड्स ये दो जो गुड है बास्केट ऑफ गुड्स इतना सेम होने से काफ़ी नहीं है हमें आगे क्या देखना है कि इन दोनों की क्वालिटी क्वान्टिटी जो कुछ भी फीचर्स है वो दोनों कंट्रीज़ में सेम होने चाहिए क्योंकि अगर क्वालिटी अलग है तो प्राइज़ अलग हो सकती है एंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनकी प्राइस सेम आ जाए इसीलिए जो बास्केट में गुड्स है वो कैसे अज्यूम किए आइडेंटिकल है सेम है क्वालिटी क्वान्टिटी सब क्या है सेम है दोनों भी कंट्रीज में देन ऑल द प्राइजेज शुड बी इंडेक्स टू द सेम ईयर सोचो अगर यहाँ पे इंडिया का प्राइस इंडेक्स आपने लिया 2021 का एंड यूएसए का लिया 2018 का तो ऐसे में कंपैरिजन पॉसिबल है नहीं है क्योंकि 2021 में प्राइस लेवल अलग होगा इंडिया में यूएसए में अलग होगा 2018 में अलग होगा तो इसीलिए जब हम लोग ये इंडेक्स लेते हैं तो वो सेम ईयर्स का लेना है एक का इंडिया का 2021 लिया यूएसए का 2018 लिया नहीं चलेगा आपको सेम ईयर ही लेना है अगर इंडिया का 2021 है तो यूएसए का भी 2021 चाहिए या फिर यूएसए का 2018 है तो इंडिया का भी 2018 ही चाहिए तभी हम लोग ये थेरी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अब देखते हैं लास्ट एजम्पन लॉ ऑफ वन प्राइस लॉ ऑफ वन प्राइस क्या कहता है कि जो आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स है वो दोनों कंट्रीज में सेम प्राइस में सेल होता है आई रिपीट आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स दोनों कंट्रीज में सेम प्राइस में सेल होता है जैसे हमारे पास दो कंट्रीज हैं फर्स्ट है इंडिया एंड सेकेंड है यूएसए तो आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स मतलब ये वाला बास्केट ये क्या है दोनों कंट्रीज में सेम है दोनों कंट्रीज में इसका प्राइस भी क्या कहा है सेम है अब कहोगे आप कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में तो रुपी चलता है और यूएसए में तो डॉलर चलता है राइट right? तो अगर इस बास्केट की प्राइस इंडिया में है हंड्रेड रुपीज एंड यूएसए में है टू डॉलर इसका मतलब एक्सचेंज रेट हम लोग ने देखा था टू डॉलर इक्वल्स टू हंड्रेड रुपीज यहाँ पे देखो यूएसए में बास्केट कितने में मिल रहा है दो डॉलर में इंडिया में हंड्रेड रुपीज में दो डॉलर का मतलब ही क्या है हंड्रेड रुपीज आई रिपीट दो डॉलर का मतलब ही क्या है हंड्रेड रुपीज इसका मतलब प्राइस दोनों कंट्रीज में क्या है सेम है आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एप्सोलेट वर्जन ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग एप्सोलेट वर्जन ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी ये क्या कहता है द आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स इन टू डिफरेंट कंट्रीज मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइज वैन एक्सप्रेस इन द सेम करेंसी अभी हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था कि एक बास्केट ऑफ गुड्स था और उसमें कुछ गुड्स थे तो ये जो बास्केट ऑफ गुड्स ये कौन सा है आइडेंटिकल बास्केट ऑफ गुड्स है जिसमें हमने देखा था राइस व्हीट वेजिटेबल्स फूड क्लोथ ये फाइव गुड्स थे तो ये अगर हम लोग दो डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल करते हैं हमारे केस में दो डिफरेंट कंट्रीज थी यूएसए एंड इंडिया तो इनकी जो प्राइज़ है दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में वो कैसे होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अगर हम लोग उन्हें सेम करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था टू डॉलर इज इक्वल्स टू हंड्रेड रुपीज़ तो जो गुड इंडिया में ले रहे हो या फिर यूएसए में ले रहे हो उसका प्राइस सेम रहेगा क्योंकि इंडिया में अगर हंड्रेड रुपीज़ है तो हंड्रेड रुपीज़ का ही मतलब है दो डॉलर अगर इसकी प्राइस यूएसए में दो डॉलर है तो दो डॉलर का मतलब ही क्या है हंड्रेड रुपीज़ तो इस हिसाब से क्या होता है इनका जो प्राइस है वो सेम हो जाता है ओके okay? तो ये एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है वो देखते हैं द एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ इन द होम मार्केट टू द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बास्केट ऑफ कमोडिटीज इन द फॉरेन मार्केट अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट हमने यूज़ किया टू तो डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट वो है प्राइस इंडेक्स हम लोग क्या ले रहे हैं प्राइस इंडेक्स का रेशो अब सवाल आता है प्राइस इंडेक्स क्यों क्योंकि हर एक कंट्री में ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज होती है एंड सर्विसेज होती है जो डेली बेसिस पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है जैसे कि राइस व्हीट बहुत सारे वेजिटेबल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कंज्यूमर गुड्स ऐसे बहुत सारे कमोडिटीज़ होते हैं तो क्या प्राइस लेंगे वो डिसाइड करने के लिए हमें प्राइस इंडेक्स लेना पड़ता है और उसके लिए वो प्राइस इंडेक्स डिसाइड करने के लिए बास्केट ऑफ कमोडिटीज यूज किया जाता है हमने तो हमारे एग्जाम्पल में सिर्फ पांच कमोडिटी यूज की थी बट इन रियालिटी जब ये परचेसिंग पावर पैरिटी का एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है तो उसके लिए तीन हजार से भी ज्यादा कमोडिटीज का प्राइस रेशो प्राइस इंडेक्स लिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्राइस इंडेक्स ले लो वो प्राइस इंडेक्स किस कंट्री का लेना है पहले तो होम मार्केट में लेना है टू द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बास्केट ऑफ कमोडिटीज इन द फॉरेन मार्केट मतलब होम मार्केट का प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय फॉरेन मार्केट का प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला आता है आर इज इक्व टू पी यानी कि होम मार्केट का प्राइस इंडेक्स है डिवाइडेड बाय पी स्टार यानी कि फॉरेन मार्केट का प्राइस इंडेक्स है फिर भी एक बार देखते हैं क्या डिनोट करते हैं आर मीन्स एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट मतलब कि इंडियन रुपी के बदले में हमें कितने डॉलर चाहिए या फिर एक डॉलर के बदले में हमें इंडिया के कितने रुपीज मिलेंगे ये होता है एक्सचेंज रेट देन पी मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ द बास्केट ऑफ गुड्स इन होम कंट्री इन डोमेस्टिक करेंसी यहाँ पे हमारी होम कंट्री इंडिया एंड डोमेस्टिक करेंसी है इंडियन रूपी मतलब बास्केट ऑफ गुड्स की इंडियन रूपी में इंडिया में क्या प्राइस है क्या प्राइस इंडेक्स है वो डिनोट किया है हमें पी ने देन पी स्टार प्राइस इंडेक्स ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन फॉरेन कंट्री इन फॉरेन करेंसी फॉरेन कंट्री है यूएसए फॉरेन करेंसी है डॉलर तो पी स्टार क्या शो कर रहा है कि यूएसए में डॉलर के टर्म में बास्केट ऑफ़ गुड्स का प्राइस इंडेक्स क्या है वो पी स्टार हमें शो करता है आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके साथ देखेंगे अगर यूएसए या फिर इंडिया में इन्फ्लेशन आता है यानी कि प्राइस बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होगा स्टूडेंट अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन इंडिया इज हंड्रेड रुपीज़ बास्केट ऑफ गुड्स की इंडिया में प्राइस कितनी 100 रुपीज है हंड्रेड रुपीज़ है एंड यूएसए में है टू डॉलर्स तो एक्सचेंज रेट कैसे आएगा टू डॉलर इज इक्वल्स टू हंड्रेड रुपीज़ यानी कि वन डॉलर इज इक्वल्स टू फिफ्टी रुपीज़ हमने दोनों साइड को टू से डिवाइड किया है तो हमें मिला वन डॉलर इज इक्वल्स टू फिफ्टी रुपीज़ जिसे हम लोग कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी यानी कि पी 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 एक्सचेंज रेट ये एक्सचेंज रेट तो फिक्स हो गया लॉन्ग रन में पर ये भी चेंज हो सकता है अगर इंडिया में या फिर यूएसए में इन्फ्लेशन है तो तो अब हम ये दो कंडीशंस देखते हैं फर्स्ट इन्फ्लेशन इन इंडिया इंडिया में प्राइस राइज हो रहा है लेकिन यूएसए में प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है मतलब बास्केट ऑफ गुड्स की यूएसए की प्राइस सेम है क्या है वो दो डॉलर बट इंडिया में वो बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस अभी इंक्रीज हो गई है वो हो गई है वन थर्टी मतलब एक्सचेंज रेट जो हमने पहले लिया था टू डॉलर इज इक्वल टू हंड्रेड रुपीज अब वो हो जाएगा टू डॉलर इज इक्वल्स टू वन थर्टी रुपीज़ क्योंकि अभी इन्फ्लेशन है और इंडिया में प्राइस बढ़ने की वजह से सेम बास्केट ऑफ गुड्स के लिए हमें एक सौ तीस रुपये देने पहले से ज़्यादा रुपये देने हैं तो अगर दो डॉलर इज इक्वल टू वन थर्टी रुपीज़ है तो वन डॉलर इज इक्व टू आएगा वन थर्टी डिवाइडेड बाई टू करना है आपको इट विल बी सिक्सटी फाइव रुपीज़ मतलब यहाँ पे रुपी हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है पहले एक डॉलर के लिए हम लोग पचास रुपये दे रहे थे अब एक डॉलर के लिए हमें सिक्सटी फाइव रुपीज देने हैं यानी कि यहाँ पे रुपी डेप्रीशिएट हुआ है विल मेंशन यूर रुपी क्या हुआ है डेप्रीशिएट हुआ है देन सेम कंडीशन देखते अगर यूएसए में इन्फ्लेशन है तो विथ नो प्राइस चेंज इन इंडिया इंडिया में प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है इंडिया में जो ओरिजिनल प्राइस थी हंड्रेड रुपीज़ जो हमने यहाँ पे देखी है वो सेम है हंड्रेड रुपीज़ लेकिन यूएसए में इन्फ्लेशन है यूएसए में वो सेम बास्केट ऑफ गुड्स जो पहले दो डॉलर में मिल रहा था वो लेने के लिए अब चार डॉलर देने हैं एक्सचेंज रेट फिर से चेंज होगा अब देखते हैं फोर डॉलर इज इक्वल टू आपको मिलेंगे हंड्रेड रुपीज़ फोर डॉलर इक्वल टू हंड्रेड रुपीज इट मीन वन डॉलर इज इक्व टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर आपको करना है सो वन डॉलर इज इक्व टू ट्वेंटी फाइव रुपीज यहाँ पे आपको एक डॉलर परचेज करने के लिए पहले से कम रुपए देने मतलब यहाँ पे रुपी अप्रिशिएट होता है एंड डॉलर डेप्रिशिएट होता है तो यहाँ पे हमारा एप्सोल्युट वर्जन पीपीपी थेरी का कंप्लीट होता है आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा अब देखते हैं इस वर्जन के कुछ ड्रॉबैक्स है लिमिटेशन से वो फर्स्ट क्रिटिसिजम है यहाँ पे परचेसिंग पावर ऑफ मनी कैन नॉट बी मेजर्ड इन एप्सोल्यूट टर्म्स एप्सोल्युट वर्जन में हमने देखा कि इंडिया में कुछ बास्केट ऑफ गुड्स की परचेसिंग पावर थी हंड्रेड रुपीज USA में थी टू डॉलर्स बट ऐसे हम लोग मेजर कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly, क्योंकि इंडिया में विद इन इंडिया भी देखते तो हर रोज़ प्राइस चेंज होती है इंडिया में ही हर एक स्टेट में हर एक मार्केट में सेम गुड्स की प्राइस अलग अलग हो सकती है मतलब कि जो परचेसिंग पावर है पैसे की वो सेम नहीं रहेगी और वो हम लोग एब्सोलिट टर्म में मेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज होती रहती है देन सेकेंड है डिफरेंट क्वालिटी ऑफ़ गुड्स इन टू डिफ़रेंट कंट्रीज अगर हम लोग दोनों कंट्रीज देखते हैं इंडिया हो या फिर यूएसए हो गुड्स की क्वालिटी उनकी जो फीचर्स है वो हमेशा अलग अलग होते हैं क्वालिटी उनकी रिक्वायरमेंट अलग है डिमांड अलग है प्रोडक्शन अलग है ऐसे वक्त उन दो कमोडिटीज़ की प्राइस हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते ऑब्वियसली क्वालिटी अलग है तो प्राइस भी अलग होगी टेक्नोलॉजी अलग है तो प्राइस भी अलग ही होगी तो प्राइस कंपेयर डायरेक्टली करना पॉसिबल नहीं है दैन थर्ड डिफिकल्ट टू सिलेक्ट बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ अब बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ में एक्जैक्टली exactly कौन से गुड्स डालेंगे वो भी तो डिसाइड करना डिफ़िकल्ट है न क्योंकि यू एस ए का लाइफ स्टाइल अलग है उनके लिए जो नेसेसिटीज़ है वो अलग है इंडिया का लाइफ स्टाइल अलग है इंडिया की जो नेसेसिटीज़ है लोगों की वो अलग है ऐसे वक्त डिफ़िकल्ट बन जाएगा कि सेम गुड्स दोनों में कॉमन है ऐसे फाइंड आउट करके उसके बेस पर एक्सचेंज रेट डिसाइड करना मतलब जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं कि जिसने हमने कमोडिटीज ली थी वो कौन सी कमोडिटीज उसमें इंक्लूड करनी है कौन सी नहीं करनी है ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा देन प्रॉब्लम्स असोसिएटेड विथ इंडेक्स नंबर ये जो थियरी है इसमें एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इंडेक्स नंबर लिया जाता है अब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना भाला इतना ईजी होता है नहीं होता है बेस ईयर कौन सा लेना है देन कितनी सारी कमोडिटीज़ है लैक्स ऑफ कमोडिटीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसमें से कौन सी कमोडिटी इंक्लूड करनी है कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस है तो कौन से प्राइस कंसिडर करनी है ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर तो अगर इंडेक्स नंबर में प्रॉब्लम है तो ये इंडेक्स नंबर यूज़ करके हम लोग एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी वही प्रॉब्लम्स आ जाते हैं देन फाइव रेक्ट एंड प्रिसाइज लिंक बिटवीन परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज एंड देयर एक्सचेंज रेट इस थियोरी में क्या कहा है कि परचेसिंग पावर के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है आई रिपीट थियोरी ने क्या कहा है परचेसिंग पावर के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है बट रियलिटी में ऐसा कोई भी कनेक्शन हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि रियलिटी में मार्केट में हम लोग जब एक्सचेंज रेट देखते हैं तो वो डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है मतलब जो रिलेशनशिप है परचेसिंग पावर एंड एक्सचेंज रेट की वो प्रीसाइज नहीं है वो डायरेक्ट नहीं है ओके देन लास्ट है सिक्स नंबर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर निग्लेक्टेड यहाँ पे बास्केट ऑफ गुड्स लिया है बास्केट ऑफ गुड्स जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में देखते हैं अभी अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको क्या होता है पता नहीं है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना लेकिन पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं ओके तो बास्केट ऑफ गुड्स यानी कि जो गुड्स है उनका जो ट्रेड होता है वो हमेशा करंट अकाउंट में होता है राइट तो यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट इंक्लूड किया क्योंकि हमने सिर्फ बास्केट ऑफ गुड्स लिया है लेकिन बोराविंग इन्वेस्टमेंट ये फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं एंड बोराविंग इन्वेस्टमेंट ये फैक्टर जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में और इसीलिए कहाँ है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर निगलेक्टेड इन द थियोरी आई होप आपको ये सारे क्रिटिसिजम्स भी अच्छे से समझे हो गए अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव वर्जन ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी वह चलोग अब देखते हैं रिलेटिव वर्जन ये किसने डेवलप किया है ऑफकोर्स इट इज प्रपाउंडेड बाय गुस्ताव कैसल दोनों भी वर्जन एक ही प्रोफेसर ने एक इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किए है सेकेंड वाला क्यों डेवलप किया वो भी देखते हैं एज अ मीन्स फॉर मेजरिंग चेंजेस इन इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मतलब अगर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो वो कैसे मेजर किया जाए इसके लिए एक सोल्यूशन गुस्ताव कैसल ने दिया है वो है रिलेटिव वर्जन इसका भी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे अब ये वर्जन क्या कहता है changes in the equilibrium rate of exchange between two currencies will be governed by the changes in the ratio of their respective purchasing power simple word mein do currencies hain ek hai rupee dusri hai dollar तो ये दोनों करेंसी के बीच में जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है वो चेंज कब होगा जब ये दोनों करेंसीज़ की परचेसिंग पावर चेंज होगी जैसे कि अगर रुपी की परचेसिंग पावर इंक्रीज़ हो गई डॉलर की इंक्रीज हो गई या फिर रुपी की, की डिक्रीज़ हो गई डॉलर की इंक्रीज़ हो गई ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें ये दोनों करेंसीज़ का परचेसिंग पावर चेंज होगा और अगर ये परचेसिंग पावर चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे चेंज होगा ये हमें पता चलता है इस रिलेटिव वर्जन से द प्राइमरी फोकस इज द कंपेरिजन बिटवीन पास्ट दैट इज बेस रेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट विद द करंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज अगर हमें फाइंड आउट करना है कि अभी का इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे चेंज हुआ है तो हमें प्रीवियस का पता होना चाहिए जैसे अगर आपको टेंथ में सिक्सटी परसेंट मिले मार्क्स एंड आपको ट्वेल्थ में मिले सेवेंटी परसेंट तो आपको क्या पता चलता है अरे टेंथ से कंपैरिजन में आपके ट्वेल्थ में मार्क्स बढ़ गए हैं मतलब कंपैरिजन के लिए हमें प्रीवियस वैल्यू पता होना जरूरी है सेम वे यहाँ पे अगर हमें कंपैरिजन करना है कि आज का एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है नहीं हुआ है क्या चेंज हुआ है तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा जो पास्ट है जो कोई तो बेस रेट है उस रेट से आज का इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कंपेयर करना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा कि करंट एक्सचेंज रेट क्या है देखते हैं नेक्स्ट चेंज बिटवीन टू इक्विलिब्रियम रेट्स इज प्राइमरिली ड्यू टू चेंज इन द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ टू करेंसीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम करेंसीज की अगर इंटरनल परचेसिंग पावर चेंज होती है तो एक्सचेंज रेट चेंज होगा फॉर एग्जाम्पल आपके पास हंड्रेड रुपीज़ है और इंडिया में हंड्रेड रुपीज़ में आप दो गुड्स इंडिया में परचेज़ कर सकते हो एक्स वाइजेट कोई भी दो गुड्स परचेज कर सकते हो लेकिन अभी प्राइस लेवल बढ़ गई और इतनी बढ़ गई ना कि हंड्रेड रुपीज़ में आप लोग दो गुड्स परचेस नहीं कर सकते दो गुड्स परचेस करने तो आपको वन फोर्टी रुपीज़ देने पड़ेंगे सेम दो गुड्स परचेस करने के लिए मतलब इंडिया में परचेसिंग पावर क्या हो गई कम हो गई क्योंकि हंड्रेड रुपीज़ में अब दो गुड्स नहीं आएंगे हंड्रेड रुपीज़ में शायद दो से कम गुड्स आएंगे इसका मतलब हंड्रेड रुपीज़ की परचेसिंग पावर कम हो चुकी है सेम वे डॉलर का भी हम लोग देख सकते हैं कि डॉलर में अगर प्रीवियसली एक डॉलर में आपको मिलते थे दो गुड्स और अब आपको एक डॉलर में मिलेगा सिर्फ एक गुड देखो पहले क्या परचेस कर सकते थे दो गुड्स परचेस कर सकते थे अब सिर्फ एक गुड परचेस कर सकते हो मतलब फिर से डॉलर की भी परचेसिंग पावर क्या हो गई कम हो गई और ऐसे वक्त इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है वो फॉर्मूला अब हम लोग देखते हैं देखो आर वन आर वन मीन्स एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वर्जन इज इक्वल टू आर जीरो का मतलब है बेस ईयर का इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इन ब्रैकेट आपको लेना है पी एच वन पी मींस प्राइज इंडेक्स फॉर होम कंट्री इन द करंट पीरियड अब देखो यहाँ पे वन एंड जीरो लिखा है वन का मतलब होता है करंट ईयर एंड जीरो का मतलब होता है बेस ईयर तो फिर से देखते पी एच वन प्राइज इंडेक्स ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन द होम कंट्री फॉर करंट पीरियड डिवाइडेड बाय पी एच जीरो प्राइज इंडेक्स ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज इन द होम कंट्री फॉर द बेस ईयर वर्ल्ड डिवाइडेड बाय पी एफ वन प्राइज इंडेक्स ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज फॉर द फॉरेन कंट्री फॉर करंट पीरियड डिवाइडेड बाय पी एफ जीरो प्राइज इंडेक्स ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज फॉर द फॉरेन कंट्रीज इन द बेस पीरियड आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पता चलेगा एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट करते है बच्चा लोग एग्जाम्पल देखते हैं हमें दिया हुआ है आर जीरो यानी कि बेस ईयर का जो एक्सचेंज रेट है इक्विलीब्रीम एक्सचेंज रेट वो दिया हुआ है फिफ्टी पी एच वन इज गिवन वन एटी पी एच जीरो हंड्रेड जीरो होता है बेस ईयर शो करता है और जब हम लोग प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का लेते हैं तो वो हमेशा हंड्रेड आता है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बेस ईयर का अलग रहेगा लेकिन प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का हमेशा हंड्रेड आएगा तो पी एच जीरो आया हंड्रेड पी एफ वन इज गिवन वन ट्वेंटी पी एफ जीरो अगेन बेस ईयर है तो वैल्यू आ जाएगी हंड्रेड अब ये सारी वैल्यूज हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करते हैं आर जीरो है यानी कि बेस ईयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज एड फिफ्टी इन टू पी एच वन इज गिवन वन एटी डिवाइडेड बाई पी एच जीरो हंड्रेड डिवाइडेड बाय पी एफ वन वन ट्वेंटी वोल डिवाइडेड बाय हंड्रेड पी एफ जीरो नेक्स्ट राउंड में लिखते फिफ्टी एज इट इज लिखेंगे इन टू वन एटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड हम लोग एज इट इज लिखते हैं अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है अगर हमें ये डिवाइड का साइन निकालना है और यहाँ पे इंटू डालना है तो इस साइन के बाद जो हमें रेशो दिया है वो उल्टा हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो नीचे साइन चेंज किया तो ये उल्टा होके हो जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन ट्वेंटी देन हंड्रेड हंड्रेड कट हो गए ये जीरो जीरो भी कट हो गया क्या रहता है हमारे पास देखते हैं एटीन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व देन फिफ्टी एज इट इज एटीन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व आप करते हो तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे वन पॉइंट फाइव एंड फिफ्टी इन टू वन पॉइंट फाइव आपका आंसर आएगा सेवेंटी फाइव तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट यानी कि आर वन आता है सेवेंटी फाइव रुपीज़ आई होप आपको ये वर्जन भी अच्छे से समझा होगा नेक्स्ट हम लोग देखते रिलेटिव वर्जन्स के क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म <laughs> में फर्स्ट है एजम्पन ऑफ फ्री ट्रेड ये थियेरी भी एजम करती, करती है देर इज अ फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज बट इन रियलिटी क्या पॉसिबल है फ्री ट्रेड नहीं कंट्रीज हमेशा टैरिफ लगाती है टैक्स रेट चार्ज करती गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होते कोटा होता है तो फ्री ट्रेड इन रियालिटी में पॉसिबल नहीं है और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिसिजम है सेकेंडली डिफिकल्ट टू असर्टन द पर्टिकुलर रेट एज अ बेस ईयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट अगर आपने फार्मूला देखा है तो फार्मूला ने हम लोग ने आर जीरो एज अ बेस ईयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट लिया था बट एक्चुअल कौन सा ईयर बेस ईयर लेना है उस ईयर में कौन सा रेट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट लेना है ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है देन करंट रेट would represent equilibrium exchange rate if economic conditions remain unchanged. जो हमारा current year का exchange rate है, वो एक ही condition में हमें equilibrium exchange rate show कर सकता है, अगर economic condition change नहीं होती है तो। जैसे देखो corona आया, economic conditions change हो गई, then price level change हो गई, तो purchasing power भी change हो गई। अभी Russia यूक्रेन का war का जो situation है, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए उसकी वजह से इंडिया का एक्सचेंज रेट चेंज हुआ इंडिया में कमोडिटीज की प्राइजेस बढ़ गई परचेसिंग पावर भी चेंज हो गई मतलब क्या है कि जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा ये तो यहाँ पे ड्रॉबैक है कि करंट रेट सभी एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम शो करेगा अगर इकोनॉमिक कंडीशंस अनचेंज है तो इन रियलिटी ये कभी भी अनचेंज नहीं होती फोर कंसिडर्स ओनली इंटरनेशनली ट्रेडेड गुड्स इसमें कौन से गुड्स इंक्लूड किए जो गुड्स हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं बट इन रियलिटी हम लोग बहुत सारे गुड्स है जो डोमेस्टिकली ट्रेड करते हैं और उनका भी यूज़ हम लोग प्राइस इंडेक्स के लिए करते हैं कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्राइस इंडेक्स में सिर्फ एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड कमोडिटी इंक्लूड की उसके साथ हम लोग जो अपनी कंट्री में विद इन कंट्री जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड ट्रेड करते उसका भी इंक्लूजन प्राइस इंडेक्स में करते हैं जो यहाँ पे कम्प्लीटली निगलेक्ट किया गया है देन बास्केट ऑफ कमोडिटीज में नॉट बी सेम जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है हमने देखा है कि इंडिया में अलग गुड से यूएसए में अलग गुड से ये रियलिटी है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि जो खाना इंडियंस खाते वही सेम खाना यूएसए में अमेरिकन लोग खाएंगे क्योंकि उनके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है जोग्राफिकल कंडीशंस अलग है तो उनकी जो नीड्स है वो भी अलग है उनका जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज है वो अलग है इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट बास्केट ऑफ गुड्स है वो अलग है तो वो डायरेक्टली कंपेयर करना कभी भी सही नहीं होगा तो बास्केट ऑफ कमोडिटीज क्या रहेगा सेम नहीं होगा क्योंकि वो जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन पर डिपेंड होता है देन सिक्स प्राइजेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ डू नॉट चेंज यूनिफॉर्मली जैसे हमने देखा अगर इंडिया में इन्फ्लेशन आता है प्राइजेस सारी कमोडिटीज़ की चेंज होती है पर सेम अमाउंट से चेंज होगी क्या नहीं होगी जैसे अभी रिसेंटली देखो जो कुकिंग ऑयल है उसकी प्राइस भी राइज़ हो रही है पेट्रोल वगैरह की प्राइस भी राइज़ हो रही है बट कुकिंग ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा राइज हो रही है डेली बेसिस पे कुकिंग ऑयल की प्राइस पाँच से दस रुपए से इंक्रीज हो रही है वहीं पे पेट्रोल की प्राइस क्या होती है एक या दो रुपए से बढ़ती है मतलब क्या कि, कि प्राइजेस चेंज तो होती है लेकिन सेम चेंज नहीं होती कुछ कमोडिटीज की प्राइस ज़्यादा चेंज होती है कुछ कमोडिटी की प्राइस कम चेंज होती है देन सेवन डजन स्पेसिफाइड टाइप ऑफ प्राइज इंडेक्स प्राइस इंडेक्स तो इन्होंने बोला है कंपेयर करना है पर कौन सा प्राइस इंडेक्स लेना है होलसेल प्राइस इंडेक्स लेना है या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लेना है ये इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहीं पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा प्राइस इंडेक्स ले लें फिर भी और एक बात आती है अगर दो कंट्रीज देखते सपोज हमने डिसाइड किया कि चलो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं सी यूज़ करते हैं पर सी कैलकुलेट करने की इंडिया की मेथडोलॉजी में भी अलग होगी और यूएसए की मेथडोलॉजी भी अलग होगी अगेन कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ सकती है देन एट निगलेक्ट्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी सिर्फ गुड्स का यूज़ किया जाता है बास्केट ऑफ कमोडिटीज हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट मतलब यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है जैसे कि फॉरिन इन्वेस्टमेंट बोरा लेंडिंग ये कंप्लीटली निग्लेक्ट किया गया है जिसका एक्सचेंज रेट पे बहुत अच्छा इफेक्ट हो सकता है देन नाइन

अगर एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो क्या हो सकता है एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है तो प्राइस लेवल कैसे चेंज हो सकती है वो भी देखते हैं यहां का जो पार्ट है तो समझने के लिए इजी जाएगा एग्जांपल हमें क्या देखना है देखो एक्सचेंज रेट अगर चेंज होता है तो प्राइस लेवल कैसे चेंज होगी सपोज एक्सचेंज रेट पहले लिख लेते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो प्राइस लेवल भी चेंज होगी एक्सचेंज रेट है वन डॉलर इज इक्वल्स टू फोर्टी रुपीज अभी एक्सचेंज रेट चेंज हो गया वन डॉलर से वो हो गया फिफ्टी रुपीज पहले क्या था फोर्टी रुपीज अब क्या हो गया फिफ्टी रुपीज इंडिया का अगर हम लोग इंपोर्ट देखते हैं तो इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है देखो एक्सचेंज रेट क्या था फोर्टी रुपीज़ था तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग जो इंपोर्ट करते थे एक डॉलर के लिए हम लोग फोर्टी रुपीज़ देते थे अब हमें एक डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए फिफ्टी रुपीज़ देने मतलब एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस भी क्या हो गई इंक्रीज हो गई सिंपली एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो प्राइस लेवल भी क्या हो सकती है चेंज हो सकती है बट ये जो रियल सिचुएशन है ये इस थियोरी ने कंसिडर नहीं किया है तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है आई होप आपको आज की थियरी इसके दोनों वर्जन अच्छे से समझे होंगे अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है देन प्लीज़ राइट अस इंटर द कमेंट सेक्शन अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं और आपने इकोसो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इकोस एंड प्रेस द बेल आइकन तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगी